कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। हाल ही में आए जीडीपी के आंकड़ों के बाद मोदी सरकार बैकफुट पर है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से हमला तेज कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर गिरी मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला करना जारी है। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अपनी वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा जारी किया। इस वीडियो में राहुल गांधी ने नोटबंदी के मसले पर मोदी सरकार को घेरा और इसे गरीबों के खिलाफ वाला फैसला बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान और मजदूर पर आक्रमण था। 8 नवंबर की रात 8 बजे पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, जिसके बाद पूरा देश बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया। राहुल ने पूछा कि क्या इससे काला धन मिटा, क्या लोगों को इससे फायदा हुआ? दोनों का जवाब नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल ने आरोप लगाया कि नोटबंदी से सिर्फ अमीरों को फायदा मिला। आपका पैसा घरों से निकालकर उसका प्रयोग अमीर लोगों का कर्ज माफ कर दिया गया। राहुल बोले कि इसका दूसरा मकसद था, वो जमीन साफ करने का था। देश का असंगठित क्षेत्र कैश पर काम करता है। नोटबंदी से कैशलेस इंडिया चाहते थे। अगर ऐसा होता तो ये क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इसकी वजह से किसान, मजदूर, छोटे कारोबारियों को इससे नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि छोटे कारोबारी बिना कैश के नहीं जी सकते। हमें नोटबंदी के इस आक्रमण को पहचानना होगा और देश को इसके खिलाफ लड़ना होगा। राहुल गांधी ने इससे पहले 31 अगस्त को इस सीरीज का पहला हिस्सा जारी किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार जानबूझकर असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में लगी हुई है। राहुल ने अपने वीडियो में कहा था, पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। इनमें नोटबंदी, गलत जीएसटी, लॉकडाउन से ऐसा हुआ है। स्पेशल डेस्क, आईबीएन भारत। देश दुनिया की खबरों के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज।